हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी यू जैट की बिगिनर्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता है कि डी यू जैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। प्रिपरेशन तो बाद की बात है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, कैसे शुरुआत की जाए, आगे कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आगे जा करके आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जा करके आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने में कोई परेशानी ना हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डी यू जैट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर एग्ज़ाम्स में से एक है, और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से BMS या BBA या फिर BBE की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको डी यू जैट क्लियर करना मैंडेटरी है। डी यू जैट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जब ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, जिसमें 100 questions होते हैं टोटल। हर एक क्वेश्चन का को 4 marks अलॉटेड होते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 4 marks मिलेंगे, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको 1 marks काट लिया जाएगा, दैट इज़ 25% नेगेटिव मार्किंग। 4 sections होते हैं, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। जो डिफ़ॉल्ट वेटेज है वो है 25% ईच ऑफ ऑल द 4 sections, यानी कि जो 25 questions ईच। लेकिन 2020 में ऐसा फॉलो नहीं किया गया था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्यू जैट में ये वेटेज फॉलो ही हो। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ड्यू जैट, हियर आर सम बेसिक प्रिपरेशन टिप्स विच विल बी यूजफुल फॉर यू इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम लाइक IPMAT, लाइक JIPMAT या फिर IPU's, सिम्बायोसिस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक प्रिपरेशन टिप्स होती हैं जो आपके लिए काम आएंगी। जैसे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम सिलेबस। आपको एग्ज़ाम सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम सिलेबस को नहीं समझा तो आपको ये भी आइडिया ही नहीं होगा कि आपको प्रिपरेशन करनी किस चीज़ की है। तो जनरली जैसे देखा जाए कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने बताए, इनमें 4 sections होते हैं। एक होता है क्वान्टिटिटिव एबिलिटी, दैट इज़ मैथमेटिक्स पोर्शन। उसके बाद आ जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जिसमें रीजनिंग और आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इज़ बेसिकली इंग्लिश सेक्शन, जिसमें आपके इंग्लिश के ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और जो चौथा सेक्शन जनरली होता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड, आपका जनरल अवेयरनेस और बिजनेस अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें आपकी ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड इज टेस्टेड। ये आप ध्यान रखें कि सारे एग्जाम्स जो हैं वो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं, एंड दीज आर एग्जाम्स आर रिलेटिव एग्जाम्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट एग्जाम्स। सो इन इस केस में एब्सोल्यूट मार्क्स मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है कि आपने रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है, अगर आपका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है उससे आपने बेहतर किया है कि नहीं किया है। अगर आपने मान लीजिए कि 100 में से 95 marks भी आपने स्कोर कर लिया और किसी और ने 96 स्कोर कर लिया, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बेसिक टिप विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट चूज द राइट स्टडी मटेरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज देर इज़ अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट टुडे। देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। आप अगर किसी भी ओल्ड बुक स्टोर चले जाएंगे जहाँ पे ओल्ड बुक्स मिलती है, तो वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल का जेरोक्स कॉपी भी मिल जाएगा आपको। तो मटेरियल्स की कमी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट स्टडी मटेरियल चूज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वट नॉट टू स्टडी देन वट टू स्टडी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर टाइम टेबल डेडिकेटिंग एक्स्ट्रा टाइम टू टफर सब्जेक्ट्स। नाउ टाइम टेबल जब बात करते हैं तो बच्चे क्या कर लेते हैं कि बच्चे टाइम टेबल में पूरा इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, जिसमें 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं होता है। सुबह से स्टार्ट करेंगे, मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, मैं 14 घंटे की पढ़ाई कर लूँगा, और अल्टीमेटली फॉलो हो नहीं पाता है वो। तो टाइम टेबल ऐसा है कि आप बनाएं जो फॉलो करने लायक हो, जो एक रिलेटिवली आपको ब्रीदिंग रूम भी दे, आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको ब्रेक्स भी मिले। हर एक 1 घंटे प्रिपरेशन के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आप जो भी आपने जो पढ़ा है उसको आप एसिमिलेट कर पाएँ, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर पाएँ। सो प्रिपेयर अ टाइम टेबल विच कैन बी फॉलोड, राइट, एंड डेडिकेट
एक्स्ट्रा टाइम टू टफर सब्जेक्ट्स, जो भी आपका डिफिकल्ट सेक्शन है, डिफिकल्ट एरियाज है, डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच आर द डिफिकल्ट सेक्शंस फॉर यू, इसके लिए आपको मॉक्स देने होंगे और मॉक्स की एनालिसिस करनी पड़ेगी. इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि मॉक्स आप कैसे प्रिपेयर करें और कैसे उसके लिए उसके ऊपर उनके मॉक्स के एनालिसिस कैसे करें, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई. गो थ्रू एग्जाम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द मॉक्स, बिकॉज मॉक्स में क्या होता है कि वो आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम पैटर्न्स का वो आपको एक आइडिया दे देता है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना है और आपको एनालाइज करना है. मॉक्स देने से देना सिर्फ काफ़ी नहीं है. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उन्होंने 10 मॉक सॉल्व कर लिए बट दे हैव नॉट एनालाइज इट. इफ़ यू नॉट एनालाइजिंग द मॉक देन देर इज नो पॉइंट टेकिंग द मॉक. सो वट एवर टाइम यू आर एलोकेटिंग टू टेकिंग अ मॉक पेपर, द सेम अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड टू एलोकेट फॉर एनालाइजिंग दैट पेपर एज वेल. रीड द न्यूज़पेपर डेली. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन होता है इन सारे एग्जाम्स में, वो एक सेक्शन होता है जिसको बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, सिंपली बिकॉज मोस्ट ऑफ द किड्स दीज डेज डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ जनरल रीडिंग विच इज़ ओवर एंड अबव देयर बोर्ड एग्जाम्स. तो उस केस में आपके करंट अफेयर्स काफ़ी वीक हो जाता है, आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की हैबिट आपको डालनी चाहिए. रिवाइज एवरी वीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिवाइज देन वट एवर यू हैव लर्नड यू विल फॉरगेट एंड अल्टीमेटली यू विल कम टू स्क्वायर वन. सो क्या करें कि आपने जो भी वीक में पढ़ाई करी उसको लास्ट वीक में संडे को आप 2 या 3 घंटे टाइम निकाल करके उसको रिवाइज कर लें. डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू ऑन संडेज और द वीकेंड्स, जस्ट रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ. ओके, सो अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज सम पॉइंटर्स जो हैं जो आपको फोकस करने हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा. तो अगर हम डी यू जैट की बात करें, डी यू जैट और आई पी मैट, ये दोनों जो ऐसे एग्जाम्स हैं, दोनों जो प्रीमियर एग्जाम्स हैं, और इनका जो रिलेटिवली डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है. वो बाकी सारे एग्जाम से ये नॉच अबव हैं और इनमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं. डी यू जेड में क्वांटिटेटिव एबिलिटी एक टफर सेक्शन है, सिंपली बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट, जो जनरल मैथमेटिकल जो बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटिवली एक नॉच ऊपर होते हैं बाकी और एग्जाम से, तो वो तो डिफ़िकल्ट होते ही होते हैं. प्लस इस एग्ज़ाम में हायर मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और हायर मैथ्स जनरली डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली फॉर नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. और इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है. 2020 में 38 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स सेक्शन में, तो इस सेक्शन को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इवन दो यू माइट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक और हायर मैथ्स से दोनों से क्वेश्चन आते हैं डी यू जैट में. अगर आपको बेसिक मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो 9th से लेकर के आपको 10th से ज़्यादा ग्रेड 9th ग्रेड और 10th ग्रेड के से ज़्यादा आपको बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे इस एग्ज़ाम में. लेकिन हायर मैथ्स जो है वो आपका 12th ग्रेड लेवल होगा और उसका जो लेवल होता है वो एक नॉच ऊपर होता है आपका जो 12th ग्रेड है, यानी कि बोर्ड से एक लेवल ऊपर ही होता है. तो आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो है एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज एग्जांपल आपको सॉल्व करने करने हैं, उसके बाद अगर आपने जब वो आपने कंप्लीट कर लिए तो आप फिर गाइड बुक्स या अदर बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं. हायर मैथ्स वुड रिक्वायर मोर नॉलेज ऑफ बेसिक फार्मूले. बेसिक फार्मूले तो आपको आने ही जाने चाहिए, प्लस दिस सेक्शन हायर मैथ सेक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ एप्लीकेशन, तो वो भी आपको फोकस करना है. सिर्फ बेसिक बेसिक फार्मूले से प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. ओके, रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, काफ़ी बच्चे इसको डरते हैं इस सेक्शन से, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दे हैव नॉट सीन दिस सेक्शन एट ऑल, उन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं करी है या कभी बोर्ड्स में आया नहीं आज तक. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो सिर्फ लॉजिक और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है. और अगर आपने कॉमन सेंस लगाया, आपने दिमाग लगाया, तो आप इस सेक्शन को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे. पैनिक करने से अगर, और लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप इन माइंड कि अगर आपने पैनिक कर दिया तो आपका जो रीजनिंग एबिलिटी है, आपकी जो बेसिक कॉमन सेंस है, वो थोड़ी सी मतलब सही नहीं चलेगी और आपका जो
आपकी जो गलती करने की संभावना है एग्जाम में वो ज़्यादा हो जाएगी. प्लस इस सेक्शन में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस, यू नीड टू बी वेरी क्लियर हेडेड इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट इस सेक्शन नहीं आता है, सिंपली बिकॉज दिस इज मोस्टली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस. इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है. मॉक्स दुनिया भर के जब आपके जितने सारे मॉक्स मिल जाए आपको, वो आप लगाएं बढ़िया से, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, और कुछ कुछ जो बेसिक जो ऐसे जो कंसेप्ट हैं जैसे सिलॉग्स हो गया, सिलोजिज्म हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सब सेक्शंस के जो बेसिक हैं वो आप एक बार कवर कर लें, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें. प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए. जैसे थ्योरी आपको बहुत कम फोकस करनी है, थ्योरी पे आपको फोकस तब करना है जब आपको कोई उस चीज़ की, उस टॉपिक की थ्योरी ही बिल्कुल ना आती हो. ओके, जनरल इंग्लिश के बारे में ये सेक्शन आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है अपने बोर्ड्स में थ्रू आउट, तो ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है, और ये सेक्शन रिलेटिवली ईजी भी होता है, क्योंकि ये सेक्शन आपने ऑलरेडी बोर्ड्स में शुरुआत से लेकर के क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक आपने पढ़ाई पढ़ा है, आपने इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ाई पढ़ा है. तो यहाँ पे बेसिक इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी गेज की जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लिटरेचर और इस सब की प्रोफिशिएंसी नहीं गेज की जाती है. बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएंगे, आपके ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे. अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, थ्रू आउट पढ़ाई करी हुई है, तो ये सेक्शन आपको बहुत ईजी मिलेगा. ईजी मॉडरेट रिलेटिवली ये सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. इन सेक्शंस में आपको जो मिस्टेक्स हैं वो आपको कोलोक्वियल मिस्टेक्स जो आपने जो बेसिक हम जो कॉमन सेंस कॉमन कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो सारे मिस्टेक्स अगर आपने अवॉइड कर लिए तो इजीली यू कैन सॉल्व दिस सेक्शन. यू विल नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर. सो ग्रामर तो ऐसा है कि आपने थ्रू आउट योर बोर्ड्स आपने पढ़ाई करी ही करी होगी ग्रामर की, लेकिन वोकैबुलरी जो है उसको लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जो या वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो रेंज जो होता है इन एग्ज़ाम्स में वो काफ़ी वास्ट हो सकता है. तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी पे की प्रिपरेशन करना. इसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगा कि कैसे इन सेक्शंस के बारे में प्रिपरेशन करें. ओके, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है, दिस सेक्शन कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, सिंपली बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई शुड से, दे डू नॉट फोकस ऑन दिस सेक्शन एट ऑल, और थ्रू आउट योर बोर्ड देयर बोर्ड्स दे डू नॉट रीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम देयर बोर्ड एग्जाम्स. सो उसकी वजह से आपका जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो अवेयरनेस है वो वीक हो जाता है, एंड दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन इन द एग्जाम. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा. आप अगर न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर योर प्रिपरेशन. अगर आपने नहीं पढ़ी है न्यूज़पेपर, तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आपने अगर कर लिए तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है. इस सेक्शन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है स्टैटिक जीके, दूसरा होता है करंट अफेयर्स. स्टैटिक जीके में आपके वो क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी दिनों से उनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके में. और करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपका आ गया अवार्ड्स एंड बुक्स आपके हो गए, बिजनेस, इसमें बिजनेस अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपके ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, आपका स्टार्टअप्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके हेडक्वार्टर्स, उनके जो चीफ्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आते हैं. एज आई सेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द नेम्स ऑफ फेमस CEOs, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टअप्स और कंपनीज के बारे में क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो उनके CEOs, उनके हेडक्वार्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू स्टडी देन व्हाट टू स्टडी. तो ये सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किन किन बुक्स पे आपको फोकस करना है. आपको इससे ज़्यादा जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है इससे ज़्यादा आपको और कहीं प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर आपके पास टाइम कम है इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो एक रूल ऑफ थंब मैं आपको बता देता हूँ, ऑलवेज चूज वन सोर्स फॉर वन सेक्शन. एक कोई सोर्स आप चूज़ कर लीजिए एक सेक्शन के लिए और बस उसी को पढ़ते रहिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर मेनी सोर्सेज, बिकॉज इफ़ यू रन आफ्टर मेनी सोर्सेज देन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. सो इट्स बेटर टू चूज वन सोर्स एंड जस्ट
complete that thoroughly and keep on revising that. तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया सोर्स है, आप पहले उसको फिनिश कीजिए. वंस यू हैव डन दैट देन यू कैन गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बाय आर एस अग्रवाल. तो सिंपल आर एस अग्रवाल के आप जाकर किसी भी बुक शॉप में बोलेंगे कि आर एस अग्रवाल की बुक दे दीजिए तो वो दे देंगे. और ये आपने कर लिया तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है. इसका एक ऑप्शन आप ले सकते हैं इफ़ यू डोंट लाइक आर एस अग्रवाल्स फील देन यू कैन टेक पियर्सन्स गाइड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो लिखा हुआ है दिनेश खट्टर के द्वारा. जनरल इंग्लिश के केस में आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको सबसे पहले जो सेक्शन हो सकते हैं एक जनरल इंग्लिश अरिहंत पब्लिकेशंस की आती है वो आप ले सकते हैं. इसके अलावा इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश यशपाल शर्मा की आती है वो भी आप ले सकते हैं. इसके अलावा एक और बुक है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एस पी बख्शी की, वो भी आप ले सकते हैं. बट आई वुड एडवाइज ओनली वन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक बुक आप लें. इसके अलावा हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टिन अगर आपने पढ़ी हुई है, आपके पास पढ़ी हुई है, बोर्ड्स में आपने पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज कर लें. अगर आपके आपने नहीं पढ़ी हुई है बिल्कुल तो आपको ये ज़रूरी नहीं है लेना. अगर आपने ये तीनों में से कोई एक बुक कर ली है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. ये बुक इसलिए सब लिखी हुई है क्योंकि अगर आपने बोर्ड्स में पढ़ाई की थी इस बुक की तो आप इसको ले सकते हैं. वर्ड पावर मीडियज ये तो बाइबल ही है, इसको आपको कवर करना ही करना है. इसके बगैर वोकैबुलरी कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है. ये बुक जो है वो लाइफ चेंजिंग बुक है. मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वर्ड पावर मीडियजी को बिल्कुल ख़रीदें और उसको जैसा कि उस बुक में बताया गया है वो बुक के जिस तरीके से उसने बताया हुआ है उस तरीके से इसको करें. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ें, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस बुक इज सपोज टू बी रेड, दिस बुक इज सपोज टू बी डन. और जैसे उसमें दिया गया है, जैसे जैसे उसमें एग्जाम दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे जैसे उसमें टॉपिक्स एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, उन सबको सॉल्व करें. वंस यू फिनिश दिस बुक आई कैन अश्योर यू दैट योर वोकैबुलरी वुड इंक्रीज बाय अराउंड 2,000-3,000 वर्ड्स वेरी इजिली. तो ये बुक तो आपको करनी ही करनी है किसी भी हाल में. रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी में यहाँ भी आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, वो आप ले लें. अगर आपने वो ले लिया और उसको कवर कर लिया तो काफ़ी है, उससे प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अगेन इसका ऑप्शन है आपका पियर्सन की जो गाइड आती है वो आप ले लें रीजनिंग के लिए, और या फिर बी एस सिजुली और एस सिजुली की अरिहंत की. तो तीनों मतलब समझिए कि तीन अलग अलग पब्लिशर्स की बुक है, पियर्सन की, अरिहंत की और एक आर एस अग्रवाल की बुक. इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. बट इन दिस सेक्शन फोकस शुड बी ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मार्क्स. बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के लिए एक कोई गाइड ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैनुअल पियर्सन की मैनुअल ले लीजिए, या फिर आप लूसेंट की स्टैटिक जीके का आपको करना है तो लूसेंट की एक जीके की बुक आती है वो आप ले लीजिए. इसके अलावा मनोरमा या मातृभूमि ईयरबुक्स आप चाहें तो कर सकते हैं. न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, एक साल का प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर का एक साल का आपका करंट अफेयर्स आपको पूरा कवर करना है. अगर आपको कहीं से वो सोर्स नहीं मिल रहा है तो Eazyprep के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आपको मंथली हमारे साइट पर मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते रहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर से ये होता है कि जो भी न्यूज़ में चीज़ें हैं वो आपको ईजिली कवर हो जाती हैं. सो देर यू हैव इट. जैसा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू.